नमस्कार। शिव के मैदान में निर्दलीय पूरे दमखम के साथ मैदान में दिखाई दे रहे हैं। बातें रविंद्र भाटी की बहुत हुई, मगर अब ऐसा लगता है कि एक और निर्दलीय उम्मीदवार फतेह खान की बात भी किया जाना जरूरी है। हालांकि इस एपिसोड में मैं रविंद्र सिंह भाटी के बिहार के कुछ दृश्य बताऊंगा, जिनको देखकर लगेगा कि आखिर चुनाव को कितना रोचक तरीके से लड़ा जा रहा है। मगर उससे पहले बात फतेह खान की, इसलिए क्योंकि उनके भी कुछ समर्थकों के बीच के वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक अच्छी खासी तादाद में निर्दलीय के साथ इतने समर्थक दिखना अपने आप में चुनाव को दिलचस्प बना देते हैं। जी हाँ, शिव जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बागियों से जूझ रहे हैं, ऐसी स्थिति में अमीन खान शायद इन दृश्यों को देखकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं कि किस प्रकार से फतेह खान के साथ समर्थकों का अच्छा खासा जमावड़ा दिखाई दे रहा है। रात का समय है, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में लाइट जलाकर अपना समर्थन, अपना साथ वहाँ फतेह खान तक पहुँचाया जा रहा है। ये दृश्य अपने आप में शिव का जो एक पूरा का पूरा चुनावी मैदान जिस प्रकार से समर में बदलता जा रहा है, उसको स्पष्ट करने के लिए काफ़ी है। जी हाँ, फतेह खान जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे, टिकट की मांग की और अब निर्दलीय के रूप में मैदान में है। और इन दृश्यों को देखकर उस बात का जिक्र भी जरूरी हो जाता है जहां अमीन खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर मैं पसंद नहीं हूं, अगर कांग्रेस पसंद नहीं है, तो वोट भाजपा को दे देना, इन निर्दलीयों के चक्कर में मत पड़ना। कहीं ना कहीं ये बयान अपने आप में फतेह खान के इस समर्थन को मजबूत करता दिखाई देता है। और मजबूती एक और जगह दिख रही है, जिसकी बात लगातार हर ओर हो रही है। नाम होता है रविंद्र भाटी। बिहार गांव से कुछ दृश्य निकल कर आए हैं और जो हुजूम दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन दिनों जब चुनाव कवर कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए कई जगह पर ऐसी स्थितियां हैं कि पार्टियों के प्रत्याशी अपने साथ गांवों में जाते वक्त भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। मगर रविंद्र भाटी के आने से पहले बताया जा रहा है कि सड़क के दोनों किनारों पर युवाओं की एक अच्छी खासी तादाद खड़ी थी। रविंद्र भाटी के आने के बाद युवाओं का एक हुजूम उमड़ा, बड़ी संख्या में लोग उस गांव के इकट्ठे हुए जहां जेसीबी से पुष्प वर्षा हुई, एक लंबा चौड़ा काफी रविंद्र को अपने कंधों पर बिठाकर आगे बढ़ता दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि शिव अपने आप में बहुत बेहतरीन एक चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। पार्टियों के प्रत्याशी दमखम के साथ मौजूद मैदान में मौजूद जरूर है, मगर कहीं ना कहीं अब निर्दलीय उनकी समस्याएं उनकी धड़कनों को तेज करते हुए दृश्य दोनों जगह से लेकर आए हैं। शिव में फतेह खान अपनी ताकत दिखाते दिखाई दे रहे हैं, तो शिव में रविंद्र बड़ी मजबूती से डटे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आगे चीज़ें कैसे होती है, चुनाव अभी बहुत रोचक स्थितियों में जाने वाला है, बड़े उतार चढ़ाव और दाव पेच का खेल इसमें खेला जाना है। ये 3 तारीख को पता चलेगा कि इन चुनावों का हुआ क्या है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके हर एक पहलू से आपको जोड़ता रहूँ। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।